से पहले हम लोग को थर्मोडायनेमिक अप्रोच समझना पड़ेगा, जिसमें थर्मोडायनेमिक अप्रोच में दो होता है, एक माइक्रोस्कोपिक अप्रोच होता है, एक दूसरा होता है आपको मैक्रोस्कोपिक अप्रोच होता है। तो माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक अप्रोच में क्या डिफरेंसेस है, ठीक है, मतलब हम इसको किस लेवल से समझ सकते हैं। तो मान लीजिए एक आपका एक सिस्टम है, ये आपका क्या सिस्टम है, या और इधर एक सिस्टम है, इसमें क्या है ना कि बहुत सारा मॉलिक्यूल है, ठीक है, इस बॉडी सिस्टम में बहुत सारा मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो हम प्रत्येक मॉलिक्यूल का अगर स्टडी करें, प्रत्येक मॉलिक्यूल का अगर हम स्टडी करें, जितने भी मॉलिक्यूल्स, मान लीजिए इसमें कितने हैं, मान लीजिए कि 1,000,000 मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, 1,000,000 मॉलिक्यूल्स है, और सभी मॉलिक्यूल्स पे अगर हम स्टडी करें तब जो रिजल्ट आएगा तो किस अप्रोच से आएगा, माइक्रोस्कोपी अप्रोच से आएगा। लेकिन इसमें फिर से उतना ही है, कितना है, 1,000,000 मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, 1,000,000 मॉलिक्यूल्स है। लेकिन हम 1,000,000 के प्रत्येक को स्टडी नहीं करने जाएंगे, हम क्या ले लेंगे, एक छोटा सा एरिया ले लेंगे जहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, जिसे मान लीजिए 10,000 मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, 10,000 मॉलिक्यूल्स है, बस इतना ही को स्टडी करेंगे और बताएंगे कि इसी के जैसा सभी मॉलिक्यूल्स का जो भी बिहेवियर्स है, ठीक है, मतलब आप समझ रहे हैं, एक तरह से एवरेज बता रहे हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल दिए थे, जैसे रेगुलर क्लास करवा रहे थे उस टाइम आपको एग्जांपल दिए थे कि जैसे मान लीजिए कि हम आपके 38 कॉलेज हैं, ठीक है, उस 38 कॉलेज में अगर हम क्या करने जाए, जैसे पता करने जाए कि आप हमारे चैनल से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, तो हम अगर प्रत्येक कॉलेज में जाकर पता करें तो हमें एक्यूरेट मिलेगा, 100% एक्यूरेट मिलेगा कि कितने परसेंट जो स्टूडेंट हैं हमारे चैनल से स्टडी कर रहे हैं। लेकिन अगर हम ऐसा करें कि प्रत्येक कॉलेज ना जाकर एक किसी एक कॉलेज में जाए, किसी एक कॉलेज में जाए और वहाँ देख ले कि मेरे चैनल से कितने परसेंट स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, जितना जैसे एक कॉलेज का होगा उसी तरह से सभी कॉलेज का स्टूडेंट स्टडी कर रहा होगा। तो ये जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच बोलते हैं, ठीक है, यानी प्रत्येक मॉलिक्यूल का बिहेवियर न चेक कर करके हम एक एवरेज ले लेते हैं, ठीक है, कि इतना मॉलिक्यूल्स का इस तरह से बिहेवियर है तो इसी तरह से सभी मॉलिक्यूल्स का होगा। लेकिन माइक्रोस्कोपी में क्या करते हैं, प्रत्येक मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर को चेक करते हैं, ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो चलिए इसी को हम लोग सीखते हैं डेफिनेशन के साथ, क्योंकि आपको यहाँ एग्जाम में डेफिनेशन लिखना है। माइक्रोस्कोपिक अप्रोच क्या है, तो आवर अटेंशन इज फोकस्ड ऑन द ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल, जो हमारा अटेंशन होता है प्रत्येक मॉलिक्यूल्स पे फोकस होता है, प्रत्येक मॉलिक्यूल्स का हमको स्टडी करना पड़ता है, प्रत्येक मॉलिक्यूल्स का हमको बिहेवियर चेक करना पड़ता है। इंडिविजुअल बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कंसीडर, हम मतलब वही तो बता रहे हैं कि प्रत्येक मॉलिक्यूल्स का हमको बिहेवियर चेक करना पड़ेगा। इट इज ऑल्सो नोन एज द स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स, इसको हम लोग स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं, कि इसको माइक्रोस्कोपिक अप्रोच का क्यों बोलते हैं स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक, क्योंकि मेरे पास कैलकुलेशन डाटा बहुत ज्यादा हो जाएगा। जैसे हम प्रत्येक मॉलिक्यूल्स का अगर हम स्टडी करने जाए तो इसका जो डाटा हो जाएगा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसको हमको इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, कैलकुलस, स्टैटिक जो भी अप्रोच लगाकर इसको सोल्व करना होगा, मैथमेटिकल टूल लगाकर, तो इसलिए इसका हम नाम क्या दे रहे हैं, स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक, ठीक है। यूजफुल फॉर लो डेंसिटी गैसेस और लो प्रेशर गैसेस, इसको हम कहाँ यूज करते हैं, जहाँ लो डेंसिटी है, मतलब अगर मान लीजिए कि एक जगह है, ये एक जगह है, तो अगर यहाँ पे 10 स्टूडेंट है, यहाँ पे कितना स्टूडेंट, 10 है, यहाँ पे लाखों स्टूडेंट है, क्या है, लाखों स्टूडेंट है, तो बताइए कहाँ आपको प्रत्येक स्टूडेंट को स्टडी करना आसान रहेगा, प्रत्येक स्टूडेंट का, प्रत्येक मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर चेक करना आसान होगा, जहाँ पे बहुत कम स्टूडेंट है, यहाँ पे 10 ही स्टूडेंट था, तो हम प्रत्येक स्टूडेंट से जाकर बात कर लेंगे, यानी प्रत्येक मॉलिक्यूल का बिहेवियर चेक कर लेंगे। तो ये कब सही है, जब लो डेंसिटी गैसेस रहेगा, तब कौन सही है, माइक्रोस्कोपिक, क्योंकि हमको इसमें क्या होता है, प्रत्येक मॉलिक्यूल का बिहेवियर चेक करना होता है, तो कम लो डेंसिटी रहेगा या प्रेशर लो प्रेशर गैसेस रहेगा तब हम उसको करना आसान रहेगा। लेकिन यही बहुत ज्यादा हो जाए तो प्रत्येक मॉलिक्यूल का बिहेवियर चेक करना संभव नहीं है, तो इस नहीं होता है तब हम लोग क्या लगाते हैं, माइक्रोस्कोपिक लगाते हैं, सही है। चलिए अब पढ़ते हैं यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट को, ठीक है, यानी माइक्रोस्कोपिक अप्रोच को। तो यहाँ पे क्या होता है, आवर अटेंशन इज फोकस ऑन द सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मैटर, यहाँ पे कुछ सर्टेन क्वांटिटी हम ले लेते हैं, जैसे अभी जस्ट बता रहे ना कि मान लीजिए यहाँ पे करोड़ों में है स्टूडेंट, तो हम कुछ स्टूडेंट का स्टडी कर लेंगे, इसी तरह से सभी स्टूडेंट का होगा। एवरेज बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कंसीडर, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एवरेज बिहेवियर लेते हैं, ठीक है,
प्रत्येक का नहीं लेकर एक एवरेज लेते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज द क्लासिकल थर्मोडाइनेमिक्स। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? क्लासिकल थर्मोडाइनेमिक नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे एक चीज जनरेट होता है, यहाँ पे एक चीज सोचने पे मजबूर कर देता है हमको कि मान लीजिए कि ये बोल रहा था ना कि जैसे कि मान लीजिए कि करोड़ों स्टूडेंट है यहाँ पे, उसमें हमको कुछ ही स्टूडेंट को करना है, तो ये कुछ स्टूडेंट में कितने स्टूडेंट को करे कि मेरा डाटा सही है? ऐसा तो नहीं हो सकता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखिएगा कि एक जग में हम पानी लिए, ठीक है, अभी पानी को वाटर को हम जूम करते जूम करते गए जूम करते गए तो हमको क्या देखने को मिला कि इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप है। अच्छा, ये तो जानते होंगे आप, पहले से भी जानते होंगे कि जो सॉलिड होता है उसके मॉलिक्यूल के बीच में बहुत कम गैप होता है। सॉलिड जो होता है उसके बीच में बहुत कम गैप होता है, ना के बराबर होता है, लेकिन लिक्विड होता है तो सॉलिड से उसमें ज्यादा गैप देखने को मिलता है, उसके मॉलिक्यूल के बीच में ज्यादा गैप देखने को मिलता है। उसके बाद गैसेस की बात करें तो गैसेस में और ज्यादा दूर मॉलिक्यूल रहता है, ऐसा जानते होंगे या नहीं जाने होंगे तो अभी सीख लीजिए, ठीक है, कि सॉलिड में बहुत कम कम दूरी पे बहुत ही पास पास मॉलिक्यूल्स होते हैं, लिक्विड में थोड़ा दूर दूर होता है, गैस में बहुत ज्यादा दूर दूर होता है। तो अभी हम जस्ट बता रहे हैं कि हमको एक एवरेज लेके, किसको, माइक्रोस्कोपिक वाला में बता रहे थे कि एक एवरेज लेकर मान लीजिए इतना सर्टेन एरिया ले लिए, इतना एरिया ले लिए, अब इसी में हम प्रेशर को मेजर कर रहे हैं कि किसको कर रहे हैं, प्रेशर। अब यहाँ यहाँ नैनोमीटर प्रेशर चेक करने के लिए लगाते हैं नैनोमीटर, तो यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे क्या है आपका गैप है, यहाँ पे मॉलिक्यूल के बीच में क्या है, गैप है, तो बताइए आपका रिजल्ट सही देगा, नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि हम जो जहां मेजर कर रहे हैं वहां पे क्या है, गैप है, वहां पे क्या है, गैप है। तब अब क्या हो जाएगा आपके साथ, ना गलत हो जाएगा, क्योंकि हम एक एवरेज को ले रहे हैं। अरे हम पूछने गए थे कि कौन कौन पढ़ रहा है, तो ऐसा स्टूडेंट पकड़ा गया जो पढ़ता ही नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे इधर आपका क्या हो जाएगा, मिस्टेक ना हो गया, फिर आपको पता चलेगा कि कोई कॉलेज वाला नहीं पढ़ रहा है, ठीक है। तो यही चीज हो रहा है यहाँ पे, क्या कि यहाँ पे हम जो एरिया ले रहे हैं उसमें गैप आ जा रहा है, तो हम कितना एरिया ले, कितना सर्टेन एरिया ले, कितना, जैसे मान लीजिए कि यहीं पे देखिए, समझ लीजिए, ये मान लीजिए इतना था, इतना पे आपको चेक करना था, इसमें बिहेवियर को आपको प्रत्येक मॉलिक्यूल का बिहेवियर चेक करना था, आपको बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल लग रहा है कि हम प्रत्येक पे बिहेवियर चेक करने गए तो मेरा जिंदगी इसी में निकल जाएगा, तो आप क्या कीजिए कि कुछ सर्टेन एरिया ले लीजिए, कुछ एरिया ले लीजिए। अभी एरिया कितना ले भाई, अभी कितना एरिया ले ताकि हमको अच्छा रिजल्ट आए, क्योंकि अभी हम जस्ट एक चीज दिखा रहे थे कि अगर हमको एरिया ये वाला पकड़ा गया, ये वाला पकड़ा गया, गैप वाला पकड़ा गया, तो मेरा तो इधर आ गया, बहुत ज्यादा इधर आ गया। तो ऐसा कुछ एरिया लीजिए जिसमें कि आपका क्या हो, जो रिजल्ट आए वो किसके जैसा आए, जहां माइक्रोस्कोपिक वाला आ रहा था, जिसमें हम प्रत्येक मॉलिक्यूल का जो स्टडी करने गए थे तो उसका रिजल्ट आ रहा था, उसका ही रिजल्ट किसका है, माइक्रोस्कोपिक का है, कि कितना हम सर्टेन एरिया लेके उतना ही रिजल्ट मेरा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक अजम्पशन लेते हैं जिसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस अजम्पशन। ये कंटिन्यूअस अजम्पशन, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, गैप मिल जा रहा है बीच बीच में, तो हमको आप मान के चलना पड़ेगा कंटिन्यूअस अजम्पशन, ठीक है। तो वही जो कंटिन्यूअस अजम्पशन है, कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम से आया, मतलब वही अराइज करता है कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम। एक कंटिन्यूम जो है किससे मिलकर बना है, कंटिन्यूअस प्लस मीडियम से मिलकर बना है, ठीक है, यही हमको देता है कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम। अब ये कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम गिव्स द क्राइटेरिया टू अप्लाई माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट। ये क्या करता है ना, कंटिन्यूम जो कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम आया है वो क्या बताता है कि एक हमको एक एरिया दे देता है, सर्टेन एरिया दे देता है, एक क्राइटेरिया देता है कि आपको इस क्राइटेरिया में फॉलो कीजिएगा तब माइक्रोस्कोपिक लगा सकते हैं। जैसे एक पॉइंट आएगा कि अगर नर्सन नंबर 0.001 से अगर नर्सन नंबर आता है, जो 0.01 से कम है, तब हम कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम लगा सकते हैं, यानी माइक्रोस्कोपिक अप्रोच लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या क्या क्राइटेरिया है उसको अभी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है, वो मतलब कौन सा क्राइटेरिया है जिसको हम, जिससे हमको पता चलेगा कि हम कब माइक्रोस्कोपिक लगाएंगे, कब माइक्रोस्कोपिक लगाएंगे। ध्यान से सुनिएगा पॉइंट को, क्योंकि आपका अभी एग्जाम होगा तो आपका प्रेशर ज्यादा होगा आपके दिमाग पे, ठीक है, तो थोड़ा सा समझने में आपको अभी कठिनाई होगी, यही रेगुलर क्लास करते तो आपको उतना दिक्कत नहीं होता, ठीक है। तो कोई चीज नहीं, आप अगर खाली शांत दिमाग से थोड़ा सा क्या बोलते हैं, पेशेंस रख के
थोड़ा सा मतलब अपने आप को कंसंट्रेट करके, फोकस करके, और ऐसा ना सोच के कि हम तो लास्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो पता नहीं हमसे हो पाएगा। अरे जरूर होगा, आप एक बार पढ़ के तो देखिए, ठीक है, एक बार नहीं दो बार रिपीट कर करके देखिए, ठीक है, जरूर होगा, ठीक है। बस आप खाली ध्यान से सुनते जाइए, पूरा लेक्चर है ना बाबू, देखिएगा कैसे हम लोग करते हैं। पहले रेगुलर क्लास पढ़ाते हैं, तो जो रेगुलर क्लास में पढ़ाते हैं वही चीज तो फिर से पढ़ाते हैं, बस वो होता है कि डेली डेली पढ़ते जाते हैं, यहाँ पे है कि आपको एक ही दिन में देखने को मिल रहा है। तो बात जो पढ़ के आते हैं उनके लिए तो बहुत फायदा करता है, क्योंकि उनका रिविजन हो जाता है एक बार, और जो पीछे नहीं पढ़े होते हैं ना उनको अगर कंसेप्ट मतलब कम से कम कंसेप्ट सीख जाते हैं कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो उसको कैसे अटेम्प्ट लेना है, कि है ना, यही चीज ना सीखते हैं मैराथन से हम लोग। मैराथन से हम लोग लास्ट टाइम में क्यों देखते हैं, ताकि अगर हम जो चीज नहीं पढ़े हैं तो यहां से हमको पता चले कि कौन सा पॉइंट क्या क्या सुने, जो जो सुन के जाते हैं वहां पे कुछ कुछ बना बना के लिखने का काम आता है, ठीक है। हम आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि मैराथन एक दिन में पूरा याद क्वेश्चन नहीं हो सकता है, है ना। बस यहाँ पे क्या होता है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है आपका, है ना, कि वहां पे एग्जाम में जो पॉइंट है उसको लिखने के लिए, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको हम एक तरह से क्या करते हैं, आपको हम कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं, और मैराथन यही काम करता है आपका, ठीक है। तो सुनिएगा, जो कंसेप्ट है कंटिन्यूम गिव्स द क्राइटेरिया टू अप्लाई माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट, ये क्या है, जो आपको बताएगा कि हम कब माइक्रोस्कोपिक लगा सकते हैं और कब हम लोग माइक्रोस्कोपिक लगा सकते हैं। तो ये आपको पॉइंट देता है, मतलब ये कौन बताता है, कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम। अब क्या बताता है ये देखते हैं, इट गिव्स द मिनिमम वॉल्यूम व्हिच मस्ट बी कंसीडर्ड सो दैट द सिस्टम शुड बी कंटिन्यूअस एंड एवरेजिंग मीनिंगफुल। मतलब हम कौन सा कितना वॉल्यूम ले, मिनिमम कितना वॉल्यूम ले, ताकि मेरा जो रिजल्ट है वो किसके जैसा आए, कि माइक्रोस्कोपिक जैसा आए। मतलब अगर हम माइक्रोस्कोपिक लगा रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक में क्या देखते हैं कि एक सर्टेन एरिया लगा, एक सर्टेन एरिया पे हम एनालिसिस करते हैं, तो यहाँ पे एरर आने का चांस होता है। तो लेकिन हम कैसा कौन सा वॉल्यूम ले ताकि रिजल्ट किसके जैसा आए, कि एवरी मॉलिक्यूल का जो हम स्टडी कर रहे थे, एनालिसिस कर रहे थे, उसके जैसा आए, ठीक है। तो कुछ मिनिमम वॉल्यूम होता होगा ना, कि हाँ इतना आप वॉल्यूम ले लो तो इसमें क्या है कि आपको रिजल्ट एक्यूरेट आ जाएगा। थोड़ा बहुत एरर भी आएगा तो वो नेग्लिजिबल होगा, वो थोड़ा बहुत एरर भी आए तो नेग्लिजिबल, बहुत ही कम एरर आए जिसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो कौन सा वॉल्यूम है, तो आइए हम बेसिक से समझाते हैं, एक ग्राफ दिखाते हैं, एक ग्राफ से समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि क्या है कि आपको, एक सेकेंड थोड़ा सा वेट कीजिएगा, यहाँ पे क्या है ना कि वॉल्यूम हम बढ़ाए, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाए तो वहां पे डेंसिटी वेरिएशन ज्यादा देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब इसको ऐसे नहीं समझ में आएगा, पहले हम आपको एग्जांपल से समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कितना था, 100, आपके पास 10 रुपया था, क्या था, 10 रुपया। आपसे 1 रुपया कोई मांग लेता है, 1 रुपया आपको कोई मांग लेता है, तो आप देख रहे होंगे कि आपको आप में वेरिएशन आ जाता है, आप में चेंजेस आ गया, क्यों, 10 रुपया था, 10 रुपया तो हम मेरे से ही मतलब हम ही को खर्च हो जाता था, हम ही को कम पड़ जाता था, 1 रुपया कोई और मांग लिया तो आपको और दिक्कत हो गया। लेकिन वही अब आपके पास कितना है, 100 रुपया है, आपके पास कितना 100 रुपया है, तो अब 1 रुपया कोई मांग लेता उतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी मेरे पास 99 रुपया है। अब आपके पास 1000 रुपया हो जाए तो अब आपसे कोई 1 रुपया मांग ले तो और कम फर्क पड़ेगा, क्योंकि अब हमको उतना वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर आपके पास कितना, 1 करोड़ रुपया आ जाए, ठीक है, 1 करोड़ कितना होता है, ये हो गया 1 करोड़ 5 0 6 0, ठीक है, या जो भी सुना हो, तो इतना है, तो अब इससे आपको क्या हो, 1 रुपया मांग ले तो अब आप पे देख लेंगे कि आपको तो जीरो वेरिएशन हो गया, अब आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो यही चीज हमको कहाँ पे देखने को मिलता है, यहाँ पे देखने, तो एक कौन सा मिनिमम था जहाँ पे आपको फर्क होना बंद हो गया, मतलब आप पे, तो 1 करोड़ रुपया अगर आपके पास आया तो आपसे क्या हो रहा है कि 1 रुपया कोई ले रहा है, तो आपको नेग्लिजिबल कोई भी टेंशन नहीं हो रहा है, ठीक है, वहां पे आपका एक रेट आ रहा है। तो वही यहाँ पे भी होगा कि मान लीजिए कि ऐसा कोई वॉल्यूम बढ़ाए तो जहां पे ज्यादा वेरिएशन देखने को मिल रहा है, ग्राफ यहाँ पे देखिएगा, फिर थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा और कम वेरिएशन देखने को मिला, क्योंकि वॉल्यूम को हम क्या कर दिए, बढ़ा दिए। जैसे 10 रुपया था तो 1 रुपया लिया तो ज्यादा वेरिएशन आप में आ रहा था, फिर 100 रुपया लिया तो अब थोड़ा सा कम वेरिएशन आया, तो उसी तरह से वॉल्यूम बढ़ाए तो यहाँ पे थोड़ा सा कम वेरिएशन आया, फिर 1000 रुपया हुआ तो 1 रुपया कोई ले लिया तो आप में कितना, बहुत कम वेरिएशन देखने को मिल रहा है, तो उसी तरह से वॉल्यूम बढ़ाए तो यहाँ पे बहुत कम वेरिएशन देखने को मिल रहा है, फिर 1000 से 10000 आपको कर दिए तो यहाँ पे कम वेरिएशन देखने को मिल रहा है, तो फिर यहाँ वॉल्यूम बढ़ाए तो देखिए कम वेरिएशन मिल रहा है, ठीक है।
डेंसिटी में बहुत कम वेरिएशन आ रहा है, फिर मान लीजिए कि फिर से हम क्या करते हैं और ज्यादा पैसा बढ़ा देते हैं आपका, ठीक है, ये कितना हो गया, एकाएं दहाएं सैकड़ा हजार दस हजार लाख है, तो 1 लाख रुपया अगर कर देते हैं तो आप में 1 रुपया अगर आपसे कोई ले लेता है तो बहुत कम डेंसिटी में वेरिएशन आएगा। तो उसी तरह से हम इसको बढ़ाते जाएंगे वॉल्यूम, तो वेरिएशन जो है क्या हो जाएगा, कम होते जाए। कोई ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे हमको वेरिएशन पता ही नहीं चलेगा कि वेरिएशन भी हो रहा है डेंसिटी में, तो यानी वो यही वॉल्यूम है, यही वो वॉल्यूम है जहां पे अगर आप स्टडी करेंगे, एनालिसिस करेंगे, इतना वॉल्यूम लेकर चलेंगे तो आपको वेरिएशन बहुत कम देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी यही एक पॉइंट है, यही एक वॉल्यूम है जहां पे आप एज्यूम करेंगे तो आप माइक्रोस्कोपिक लगा सकते हैं, यहां पे आपको क्या होगा कि एरर नहीं आएगा, ठीक है, यानी रिजल्ट आपका एक्यूरेट आएगा। अभी है कितना वॉल्यूम है, ये क्या वॉल्यूम है, तो ये वॉल्यूम है कि 10^-9 mm³ में अगर 10^6 mM है तब आपका मेजरमेंट है जो स्टेबल होने वाला है। यानी अगर आप वॉल्यूम 10^9 mm³ ले रहे हैं, इसमें कितना मॉलिक्यूल होना चाहिए, 10^6 mM है, तब आप क्या था माइक्रोस्कोपिक अप्रोच लगा सकते हैं, ठीक है, यानी एक आप सर्टेन वॉल्यूम लेकर वहां पे माइक्रोस्कोपिक अप्रोच लगा रहे हैं। बात समझ में आया, जैसे आपका क्वेश्चन सबसे पहले समझिएगा कि यहाँ क्वेश्चन था ना कि हम माइक्रोस्कोपिक में जानते हैं कि प्रत्येक मॉलिक्यूल का स्टडी नहीं करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, दम आपको अब ठेठ में समझा देते हैं, माइक्रोस्कोपिक में हम प्रत्येक मॉलिक्यूल का स्टडी नहीं करते हैं, एक सर्टेन लेते हैं, तो उस सर्टेन कितना लेंगे, तो यही है सर्टेन, 10^-9 mm³ में 10^6 mM है, तब हम उस पर माइक्रोस्कोपिक लगा सकते हैं। बात समझ में आया, चलिए अब नोट पॉइंट देख लेते हैं। इन केस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड कंटिन्यूम इज ऑलवेज सैटिस्फाइड, बट इन केस ऑफ गैस इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। अब एक पॉइंट देखते हैं यहाँ पे है, मीन फ्री पाथ क्या होता है, तो मीन फ्री पाथ है जैसे कि मान लीजिए कि ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल है, तो ये कोलिजन करेगा, मान लीजिए कि ये क्या कर रही है, इससे आके टकराया, तो L1 डिस्टेंस ट्रैवल किया, फिर ये मॉलिक्यूल है मान लीजिए इससे आके टकराया, तो L2 डिस्टेंस ट्रैवल किया, फिर ये मॉलिक्यूल है मान लीजिए इससे टकराया, तो L3 डिस्टेंस हो गया। अब ये सभी डिस्टेंस को आप एवरेज कर देंगे तो उसी को हम लोग बोलते हैं मीन फ्री पाथ, ठीक है, ये इसका सिग्निफिकेंस क्या है, गैप है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये क्या बताता है, जैसे मान लीजिए कि जल्दी जल्दी अगर टकरा रहा है तो वहाँ भीड़ भाड़ होगा, जैसे आप मार्केट जाते हैं तो बहुत भीड़ भाड़ रहता है तो जल्दी जल्दी टकरा जाते हैं कोई से, या चलने में नहीं बनता, वही दम खाली स्थान हो तो आप दे बहुत दूर, मान लीजिए एगो यहाँ तो बहुत दूर जाने के बाद क्या होगा, आप टकराएंगे किसी से, यानी यहाँ पे गैप ज़्यादा है, अगर जल्दी जल्दी टकरा रहा है तो उसका मतलब गैप बहुत कम है, ठीक है। तो मीन फ्री पाथ क्या हुआ, तो मीन फ्री पाथ हुआ एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल बाई द मॉलिक्यूल्स बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, कोलिजन करने में जितना डिस्टेंस वो ट्रैवल किया था उसी के एवरेज डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, मीन फ्री पाथ कहते हैं। आई होप समझ में आया, ठीक है। चलिए करेक्टरिस्टिक डायमेंशन क्या है, तो साइज ऑफ द सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, करेक्टरिस्टिक डायमेंशन कहते हैं, जिसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं, मीन फ्री पाथ को लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो करेक्टरिस्टिक साइज जैसे मान लीजिए कि लेंथ है तो इसका एल हो गया, और मान लीजिए कोई सर्कुलर है तो उसका डायमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब करेक्टरिस्टिक डायमेंशन क्या है, साइज ऑफ द सिस्टम, सिस्टम का क्या साइज है उसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं। तो यही नर्सन जो है एल ग्रेटर देन 100 times ऑफ द किसका, इसका मीन फ्री पाथ का, अगर उससे ग्रेटर देन है उसी को हम लोग नर्सन नंबर बोलते हैं। अगर इसको हम कैलकुलेट करना चाहें तो लैम्डा अपॉन एल लेस देन 1/100, यानी इसका वैल्यू जो हो जाएगा एल लैम्डा अपॉन एल लेस देन 0.01 लैम्डा अपॉन एल, एल का लैम्डा का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, तो जो आपका क्या था, सॉरी करेक्टरिस्टिक डायमेंशन को हम लोग एल से डिनोट कर रहे थे, मीन फ्री पाथ को लैम्डा से डिनोट कर रहे थे, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नर्सन नंबर बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, इसी के रेशियो को हम लोग नर्सन नंबर बोलते हैं। तो नर्सन नंबर है जो 0.01 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर 0.01 से कम है तब हम कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम अप्लीकेबल कर सकते हैं। क्लियर हुआ क्वेश्चन, जो ऐसे पूछा जा रहा था ना कि हम कब अप्लीकेबल कहेंगे, कब अप्लाई कर सकते हैं माइक्रोस्कोपिक अप्रोच को,
कब हम अप्लाई कर सकते हैं मैक्रोस्कोपिक अप्रोच को, तो यहाँ जब नर्सन नंबर 0.01 से कम होगा तब। आइए दूसरा कंसेप्ट सीखते हैं। जैसे मान लीजिए एयर एट एटमोस्फेरिक में हम एक सर्वे करने गए, वहाँ पे हम देखने को मिला कि साइज ऑफ द सिस्टम एल है 100 mm का है, 10 mm का है, 1 mm का है, 10 μm का है, जिसको हम लोग माइक्रोमीटर कहते हैं, 1 μm का है, 1 μm से नीचे क्या हो जाता है, नैनो हो जाता है। तो इसका जो नर्सन नंबर है वो कितना है, 6.8 × 10⁻⁷ है, यानी ये 0.01 से लेस देन है, यहाँ पे अप्लीकेबल होगा, ठीक है। फिर ये भी 0.01 से कम है, यहाँ भी अप्लीकेबल होगा, 0.01 से यहाँ भी कम है अप्लीकेबल होगा, यहाँ भी 0.01 से कम है अप्लीकेबल होगा, लेकिन ये 6.8 × 10⁻² कितना हो गया, 0.068 हो गया। ये क्या है, 0.01 से ग्रेटर देन है, तो यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक अप्रोच अप्लाई नहीं होगा। यानी कहाँ तक हुआ, तो यहाँ तक ही हुआ माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, कहाँ तक अप्लाई हुआ, यहाँ तक। यहाँ कौन होगा, माइक्रोस्कोपिक होगा, क्योंकि यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक अप्रोच अप्लाई नहीं हो रहा है, तो कौन होगा, माइक्रोस्कोपिक होगा। जब अच्छा सुनिएगा, ये माइक्रोन है, ये भी माइक्रोन है, उसके नीचे क्या है, नैनो है, तो माइक्रोन में ही अगर 10 μ से नीचे हो जा रहा तो अप्लीकेबल नहीं हो रहा, तो नैनो में कभी होगा, कभी नहीं होगा, ठीक है। तो उसी को ऑब्जर्वेशन को यहाँ पे देख रहा है कि द कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम इन माइक्रो डिवाइस में और मे नॉट बी वैलिड। ये माइक्रो डिवाइस में, माइक्रो डिवाइस किसको बोल रहे हैं, 10 μ, माइक्रोन को हम लोग माइक्रो डिवाइस बोल रहे हैं, तो माइक्रो में ही देख रहे हैं कि हो भी सकता है, यहाँ हो गया, यहाँ नहीं हुआ, मतलब हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि जो हम कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम है जो माइक्रो डिवाइस में अप्लाई होगा, तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि जब 10 μ था तो हो गया था, लेकिन 1 μ है तो नहीं हुआ था। लेकिन दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखने को मिलता है कि द कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूस डज नॉट वैलिड इन नैनो डिवाइस। नैनो डिवाइस में तो वैलिड ही नहीं होगा, क्योंकि माइक्रोन में भी यही हो सकता है, नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपको एग्जाम्पल दे कि आपके कॉलेज में प्लेसमेंट आया, तो जिसका 9.8 CGPA है उसका सिलेक्शन हो गया, जिसका 9.7 CGPA उसका हो गया, यानी 9.1 तक का हो जा रहा, 9.1 का नहीं हुआ, तो 8 वाला का कभी होगा, क्योंकि 9 वाला में ही देख रहे हैं कि किसी का हो रहा है, लास्ट में जाके छट जा रहा, तो 8 CGPA वाला आशा रख सकता है, नहीं। उसी तरह से कि ये माइक्रो डिवाइस में ही देख रहे हैं कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो यहाँ नैनो डिवाइस में तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो द कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम डज नॉट वैलिड इन द नैनो डिवाइस। द कंसेप्ट ऑफ द कंटिन्यूस डज नॉट वैलिड इन रेयरफाइड गैसेस। रेयरफाइड गैसेस क्या होता है, रेयरफाइड गैसेस एक्सट्रीमली लो प्रेशर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, रेयरफाइड गैसेस बोलते हैं। तो चलिए यहीं से एक क्वेश्चन आपको पूछ दिया था, इन हाईली रेयरफाइड गैस द कंसेप्ट ऑफ दिस लॉसेस वैलिडिटी। वो हाईली रेयरफाइड गैसेस है तो कौन सा वैलिडिटी को लॉस कर देता है, तो कंटिन्यूम को, अभी जस्ट हम पढ़ रहे थे ना, यहीं पे लास्ट पॉइंट तो यही देखे, द कंसेप्ट ऑफ द कंटिन्यूम डज नॉट वैलिड, ठीक है, किसमें, इन रेयरफाइड गैसेस में, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, आते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम सराउंडिंग बाउंड्री पे आते हैं, ठीक है। बारी बारी से देखेंगे हम लोग सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, बाउंड्री क्या है। तो सबसे पहले सिस्टम को समझते हैं। मान लीजिए कि जैसे ऐसे बताते हैं आपको, जैसे मान लीजिए कि आप जहाँ पे होंगे आपके चारों ओर एयर मौजूद होगा, तो उस एयर पे मान लीजिए आपको एनालिसिस करना है, तो इतना चारों तरफ आपको पूरा इन्वायरमेंट में आपके चारों तरफ इतना एयर होगा, तो कितना पे आप टोटल पे स्टडी करेंगे, नहीं, हम एक छोटा सा कोई एरिया मान लेंगे कि इतना एयर पे हमको क्या करना है, स्टडी करना है, तो ये जो एयर है इतना दूर, यही आपका क्या हो गया, सिस्टम हो गया, ये क्या हो गया, सिस्टम हो गया, ठीक है। अब इसके चारों ओर जो है आपको क्या, उसको हम क्या बोलते हैं, सराउंडिंग बोलते हैं। सिस्टम के चारों ओर जो भी है, जो कुछ भी है, ये सभी क्या है, सराउंडिंग है, ठीक है, ध्यान से समझते जाइएगा। जितना एयर पे आपको स्टडी करना था, एनालिसिस करना था, उसको हम लोग सिस्टम बोल रहे हैं। इसके चारों ओर क्या है, सराउंडिंग है। अब सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में एक लेयर जो सेपरेट कर रहा होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाउंड्री बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, बाउंड्री बोलते हैं, ठीक है। सिस्टम और किसको, सराउंडिंग के बीच में एक लेयर रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाउंड्री। एक एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लीजिए गैस सिलेंडर देखे होंगे, ठीक है, गैस सिलेंडर ये हो गया, गैस सिलेंडर में क्या भरा रहता है, गैस भरा रहता है। अभी ये गैस जो आपका है, मान लीजिए वो आपका क्या, सिस्टम है। इसके अंदर जो गैस है वो क्या है, सिस्टम है।
और गैस के बाहर ये सब क्या है, सराउंडिंग है। इसको क्या बोलते हैं, सराउंडिंग। अब गैस और सराउंडिंग के बीच में लोहा वाला जो देखे होंगे, लोहा का एक क्या, एक लेयर लगा रहता है, एक क्या रहता है लेयर, ऐसा करके लोहा का बना रहता है, इसी को हम बाउंड्री बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, बाउंड्री बोलते हैं। तो सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री समझ में आया। चलिए अब इसी को बारी बारी से हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है, कि डिफिनीशन में कैसे लिखेंगे इसे। तो सबसे पहला है सिस्टम। सिस्टम क्या है, द क्वांटिटी ऑफ मैटर और रीजन इन अ स्पेस वेयर आवर अटेंशन इज फोकस्ड इज कॉल्ड सिस्टम। क्वांटिटी ऑफ मैटर, मैटर का वह क्वांटिटी जहां पे हमको क्या है, फोकस्ड है, अटेंशन है, ठीक है, जहां पे हम एनालिसिस करना चाहते हैं उसी को क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, सिस्टम। जैसे अभी बता रहे थे कि आपको मान लीजिए इतना एयर को क्या करना है, एनालिसिस करना है, इतना एयर को एनालिसिस करना है, इसी को क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं। इसके चारों तरफ सराउंडिंग, चारों तरफ और ये सिस्टम के बीच में देखिए ब्लू का एक लाइन बना हुआ है, चारों तरफ से घेरा हुआ, इसी को बाउंड्री बोलते हैं। बस यही तीनों चीज है। तो एवरीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। एक्सटर्न सिस्टम के चारों तरफ बाहरी आवरण को हम लोग क्या बोलते हैं, सराउंडिंग बोलते हैं, ठीक है। सिस्टम इज सेपरेटेड बाय, सिस्टम सेपरेट होता है किससे, सराउंडिंग से, जिसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, बाउंड्री बोलते हैं। तो सिस्टम इज सेपरेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग बाय इट्स बाउंड्री। अब आते हैं थर्मोडाइनेमिक बाउंड्री क्या है। जो अभी बाउंड्री देख रहे थे ना, उसी बाउंड्री को देखते हैं कि बाउंड्री क्या है। तो बाउंड्री दो तरह से हो सकता है, एक रियल हो सकता है, एक इमेजिनरी हो सकता है। तो अभी आपके चारों तरफ एयर है, मान लीजिए कुछ ऐसा ही कुछ एयर है ना, आप सामने से बोलिए कि हमको इतना एयर पे क्या करना है, एनालिसिस करना है। तो इसके चारों तरफ एक क्या है, इमेजिनरी बाउंड्री, आप देख पा रहे हैं, खाली खाली हाथ से घेर के बता दिए कि इतना दूर पे आपको क्या करना है, एनालिसिस करना है। अब यहाँ पे एयर अंदर भी जा रहा होगा, बाहर भी आ रहा होगा, इसमें आपको बाउंड्री है, तो इसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी बाउंड्री है। लेकिन वही अभी गैस सिलेंडर की बात कर रहे थे, तो गैस सिलेंडर में क्या है, एक परमानेंट बाउंड्री है, यहाँ पे रियल बाउंड्री है। ये क्या है, रियल बाउंड्री है, जो चारों तरफ से लोहा का बना रहता है ना, ये क्या है आपका रियल बाउंड्री है, जिसको हम छू भी सकते, देख भी सकते, टच भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, रियल बाउंड्री। लेकिन इमेजिनरी बाउंड्री क्या होता है, खाली हम ऐसे ही मान लिए अपने हवा में, जैसे आपके पास जो चारों तरफ हवा है, तो कुछ दूर ऐसे ही बोल देंगे ना कि इतना दूर हमको एनालिसिस करना है, अपने हाथ से घुमा के देखिए ना, आप बोलिएगा इतना दूर हमको क्या करना है, एनालिसिस करना है। तो हम मान लेते कि इतना दूर करना है, लेकिन उसके अंदर जरूरी है, उसके अंदर बाहर से भी अंदर आ रहा होगा एयर, अंदर वाला एयर बाहर भी जा रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई अधी लेयर नहीं है, यहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं है, बस हम मान लिए कि इतना दूर का एनालिसिस करना है। तो ये दो तरह का होता है, एक इमेजिनरी होता है, एक रियल होता है। जो रियल होता है वो दो तरह से होता है, एक फिक्स्ड होता है, एक मूवेबल होता है। रियल बाउंड्री दो तरह का होता है, एक फिक्स्ड होता है, एक मूवेबल। मान लीजिए आईसी इंजन का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो ऐसी एग्जाम्पल में ये आपका क्या हो गया, अंदर वाला सिस्टम हो गया, अंदर वाला सिस्टम हो गया, इसके बाहर ये सब क्या हो गया, आपका सराउंडिंग हो गया, ये सब क्या हो गया, सराउंडिंग हो गया। इसके चारों तरफ एक लेयर बना हुआ है, इसके चारों तरफ क्या है, ये लेयर है आपका, ये लेयर है, ठीक है, यानी बाउंड्री है, ये बाउंड्री है। तो ये बाउंड्री कितना है, इसी को बोलते हैं रियल बाउंड्री, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक और देखिए पिस्टन, जिसको बोल रहे हैं यहाँ पे, तो पिस्टन ये अप डाउन होगा ना, अप डाउन होगा ना, पिस्टन को हम आगे पीछे कर सकते हैं ना, तो यानी रियल है, लेकिन ये कैसा है, मूवेबल है। कैसा है, मूवेबल, मतलब इसको हम आगे पीछे मूव करवा सकते हैं। तो अगर आपको सिस्टम में वर्कडन चाहिए है, तो कम से कम एक बाउंड्री को आपको क्या करना होगा, रियल बाउंड्री को क्या करना होगा, मूवेबल रखना होगा। ध्यान से समझिएगा, पहले एक सेकेंड सुनिएगा, ये आपका क्या हो गया, चारों तरफ वाला ये ब्लू से जो बना रही है आपका क्या है, बाउंड्री है। कैसा बाउंड्री है, रियल बाउंड्री है। ये भी पिस्टन है, ये भी तो बाउंड्री ही है, लेकिन ये मूवेबल है, इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं। तो रियल बाउंड्री है, तो रियल बाउंड्री में दो तरह से, ये सब क्या है, फिक्स है, ये चारों तरफ वाला क्या है, फिक्स है, लेकिन पिस्टन क्या है, मूवेबल है। तो हम बोल सकते हैं कि वर्कडन के लिए हमको क्या चाहिए, एक अगर सिस्टम में वर्कडन चाहिए, तो मिनिमम एक बाउंड्री को आपको क्या रखना होगा, मूवेबल रखना होगा। टू गेट द वर्क फ्रॉम द सिस्टम, देन मिनिमम वन बाउंड्री शुड बी मूवेबल। इमेजिनरी बाउंड्री क्या होता है, इमेजिनरी बाउंड्री है, मतलब वो ऐसा मान लेते हैं कि इसके चारों तरफ है, एयर के चारों तरफ एक बाउंड्री है, इमेजिनरी मान लेते हैं। तो मानने से क्या होगा कि एयर रुक थोड़ के जाएगा,
एयर मास बाहर भी जा सकता है, बाहर वाला मास अंदर भी आ सकता है। तो इमेजिनरी बाउंड्री अलाउ मास ट्रांसफर थ्रू इट, इससे मास बाहर भी जा सकता है, इसके अंदर भी आ सकता है। लेकिन अगर वही रियल बाउंड्री की बात कर दे तो डज नॉट अलाउ मास ट्रांसफर थ्रू इट। अगर हम गैस सिलेंडर की एग्जांपल ले रहे थे तो गैस सिलेंडर में क्या अपने से मतलब बल्ब खोलते तब ना इसमें गैस भरते हैं, अगर हम ऐसा ना करें गैस भर के छोड़ दे तो क्या ये बाहर जाएगा या बाहर वाला गैस अंदर आएगा? बल्ब को बंद कर दे तब तो नहीं आएगा। तो रियल बाउंड्री डज नॉट अलाउ मास ट्रांसफर थ्रू इट, इधर से ना आप पास होने देगा ना अंदर आने देगा ना बाहर जाने देगा, ठीक है। तो रियल बाउंड्री कभी भी मास का ट्रांसफर नहीं करने देता है। अच्छा, एक तरह से और हम बोल सकते हैं बाउंड्री दो प्रकार का होता है, एडियाबैटिक डायथर्मल बाउंड्री। एडियाबैटिक क्या होता है, जो पूरा हीट को ट्रांसफर ना करने दे, जो अपने से हीट का ट्रांसफर ना करने दे उसे एडियाबैटिक कहते हैं। क्या बोलते हैं? अगर अपने से हीट का ट्रांसफर नहीं करने देगा तो उसको एडियाबैटिक बोलते हैं। डायथर्मल कब बोलते हैं? जब पूरा का पूरा हीट ट्रांसफर कर दे तो उसे डायथर्मल कहते हैं, ठीक है। एडियाबैटिक में अगर जो ट्रांसफर है हीट ट्रांसफर नहीं होने देगा मतलब जीरो, तो इसका थर्मल रेजिस्टेंस कितना? इनफाइनाइट, क्योंकि कुछ भी हीट ट्रांसफर होने नहीं दे रहा है। यहाँ पे हीट ट्रांसफर पूरा का पूरा हो जा रहा है मतलब थर्मल रेजिस्टेंस क्या है? जीरो है, मतलब हीट को रोक ही नहीं पा रहा है। थर्मल रेजिस्टेंस कितना है? जीरो है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ पे तीन बाउंड्री बना दी है, ठीक है, ए है, यहाँ पे बी है, सी है। तो देखिए सी वाला हीट इसमें बी में जा रहा है और बी वाला सी हीट इसमें सी में जा रहा है। तो यहाँ जो बाउंड्री है वो कैसा है? डायथर्मल बाउंड्री है, क्योंकि हीट का ट्रांसफर होने दे रहा है। लेकिन यही बात अगर हम इसमें देखें ए और बी सी में देखें तो ना ए से बी में जा रहा है ना बी से ए में आ रहा है, ना ए से सी में जा रहा है ना सी से ए में जा रहा है। तो ये ब्लू वाला बाउंड्री उसको एडियाबैटिक बोलेंगे, क्योंकि यहाँ से हीट का ट्रांसफर होने नहीं दे रहा है। क्लियर है? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ थर्मोडाइनेमिक सिस्टम। टाइप्स ऑफ थर्मोडाइनेमिक सिस्टम क्या है? चलिए एग्जांपल से समझाते हैं। पहले आपको क्या करते हैं, क्लोज सिस्टम है, आप क्या करते हैं पहले ओपन को समझते हैं। मान लीजिए कि आप एक गैस जलाइए, गैस पे एक पतीला चढ़ाइए जिसमें पानी भरा हो, ठीक है। अब गैस को जला दीजिए, गैस जलाने से क्या होगा, इससे मास भी निकलेगा और क्या निकलेगा, इनर्जी भी निकलेगा। मास भी मतलब मास निकलने का मतलब क्या कि पानी चढ़ा दी होंगी और दो घंटा के बाद जाके देखिए सूख जाएगा, ठीक है। यानी मास का भी ट्रांसफर हो रहा है, इनर्जी का भी ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ से मास भी जा रहा है, इनर्जी भी जा रहा है, दोनों जा रहा है। क्लोज सिस्टम में आते हैं, इसी पतीला को ऊपर से ढक दीजिए, एक प्लेट से इसको क्या कर दीजिए, ढक दीजिए। तो आप देखेंगे कि मास बाहर नहीं जा रहा है लेकिन इनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो मास बाहर नहीं जा रहा है, इनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। यानी क्लोज सिस्टम में क्या होता है, मास का ट्रांसफर नहीं होता है लेकिन इनर्जी का ट्रांसफर होता है, ठीक है। ओपन में क्या, मास इनर्जी दोनों ट्रांसफर होता है। आइसोलेटेड सिस्टम, एक बॉटल आता है जिसमें पानी, जिसको थर्मस बोलते हैं शायद, कि उसमें पानी गर्म के गर्म रह जाए, अगर गर्म डालिएगा तो गर्म ही रह जाता है और ठंडा डालते तो ठंडा ही रह जाता है। इसका मतलब कि वहां पे ना तो मास का ट्रांसफर हो रहा है और ना इनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, दोनों को दोनों नहीं हो रहा है। तो ही क्लोज सिस्टम में क्या होता है कि मास का ट्रांसफर नहीं होता है, इनर्जी का ट्रांसफर होता है। ओपन सिस्टम में मास का ट्रांसफर भी होता है, इनर्जी का भी होता है। आइसोलेटेड में ना मास का ट्रांसफर होता है ना इनर्जी का। तो यही डिफिनेशन लिखा हुआ है। क्लोज सिस्टम में There is no mass transfer between system and surrounding. क्लोज सिस्टम में क्या था, ना मास का ट्रांसफर नहीं होता है लेकिन एनर्जी का ट्रांसफर होता है, ठीक है। अच्छा, इसको हम कंट्रोल मास सिस्टम कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मास का क्या बोलते हैं, मास का तो ट्रांसफर हो नहीं रहा है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो रिजिड कंटेनर या पिस्टन सिलेंडर विदाउट वाल्व, ठीक है। चलिए दूसरा आते हैं ओपन सिस्टम। इन ओपन सिस्टम मास ट्रांसफर आल्सो टेक प्लेस अलोंग विद द एनर्जी ट्रांसफर। यहाँ पे मास का भी ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी का भी ट्रांसफर होता है। जैसे अभी बता रहे थे कि ओपन सिस्टम में कि इसके चारों तरफ बाउंड्री नहीं रहता है, तो वॉल्यूम अंदर आएगा और वॉल्यूम क्या जाएगा, बाहर जाएगा। यानी किसका कंट्रोल करेगा, वॉल्यूम को कंट्रोल करेगा। तो ओपन सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम बोलते हैं। एग्जाम्पल देयर एग्जाम्पल है टर्बाइन है, कंप्रेसर है, पंप है, नोजल है एंड थ्रोटिंग वेल्व है। तो ये सब क्या है, किसका एग्जाम्पल है, ओपन बल्ब सिस्टम का। दीज ऑल एग्जाम्पल आर द किसका, ओपन सिस्टम का है, ठीक है। तीसरा पॉइंट पे आते हैं हम लोग, आइसोलेटेड सिस्टम का। तो इसमें क्या होता था, ना तो मास का ट्रांसफर होता था ना इनर्जी का ट्रांसफर होता था, ठीक है। एग्जाम्पल है परफेक्टली रिजिड कंटेनर और इन एंड इनवर्स, ठीक है।
चलिए अब आते हैं हम लोग किसका प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो प्रॉपर्टी दो तरह का होता है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होता है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होता है। तो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज पूछा जाएगा तो आपको लिखना है कि दो तरह का इंटेंसिव होता है, एक एक्सटेंसिव होता है। इंटेंसिव में मास पे डिपेंड नहीं करता है ना साइज पे डिपेंड करता है, यानी वैसा प्रॉपर्टीज जो मास इंडिपेंडेंट हो एंड ऑल्सो साइज ऑफ सिस्टम इंडिपेंडेंट हो, ना तो साइज ऑफ सिस्टम पे डिपेंड करेगा ना मास पे डिपेंड करेगा। दूसरी बात करें एक्सटेंसिव का, तो मास पे डिपेंड करेगा और साइज ऑफ सिस्टम पे भी डिपेंड करेगा। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन कौन हो गया जो पहले बताते हैं आपको, ये जो मास पे और साइज पे डिपेंड ही नहीं करे। मान लीजिए कि रो है, रो को मतलब जानते हैं डेंसिटी, मास बाई वॉल्यूम, क्या होता है मास बाई वॉल्यूम। तो मान लीजिए कि एक एग्जांपल देते हैं, जैसे एक वाला एक कंटेनर है, कंटेनर में मान लीजिए मास 8 केजी था और इसका वॉल्यूम मान लीजिए 10 केजी था, क्या था 10 केजी था, चलिए 16 इसको वॉल्यूम को तो मीटर क्यूब में मापते हैं ना, तो मान लीजिए 16 केजी आपका क्या था मास था और 8 मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम है, तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, तो 16 अपॉन कितना 8, यानी यही 2 केजी पर मीटर क्यूब, ये आपका क्या हो जाएगा डेंसिटी हो जाएगा। अब इसको मान लीजिए कंटेनर को हाफ कर देते हैं, तो हाफ करने से मास आधा हो जाएगा यानी 8 केजी हो जाएगा, अब वॉल्यूम भी कितना हो जाएगा 4 मीटर क्यूब हो जाएगा। अब डेंसिटी निकालिए तो 8 बटा 4, 4 दूनी 8, यानी ये भी आया 2 केजी पर मीटर क्यूब। बताइए हाफ करने भी पे ही डेंसिटी 2 केजी पर मीटर क्यूब ही आ रहा है, और जब फुल था तो तब भी इसका डेंसिटी 2 केजी पर मीटर क्यूब ही आ रहा था। तो बताइए मास पे चेंज किया नहीं किया ना, तो मास को चेंज करने से इसका डेंसिटी चेंज हुआ नहीं चेंज हुआ, मतलब ये क्या है इंटेंसिव है, क्या है इंटेंसिव है। वही बात करें अगर, अच्छा और एग्जांपल ले लीजिए टेम्परेचर की बात ले लेते हैं, तो मान लीजिए कि एगो रूम था, अब इसको आधा आधा कर देंगे तो इधर का टेम्परेचर अलग इधर का टेम्परेचर अलग, ऐसा हो सकता है नहीं, तो ये भी क्या है इंटेंसिव प्रॉपर्टी है कि इसका अगर हम इसमें साइज आधा कर दिए फिर भी इसका मास क्या सॉरी इसका टेम्परेचर पे वेरिएशन नहीं आया। प्रेशर सेम चीज, प्रेशर को अगर हम आधा आधा मान लीजिए, प्रेशर क्या होता है पर यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है, तो हमको तो यहाँ तो इससे मतलब कि दिक्कत ही नहीं है कि इसको आधा कर रहे हैं कि मतलब आधा कर रहे हैं कि 4 गुना कर रहे हैं कि 2 गुना कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर यूनिट एरिया पे बात होता है। तो प्रेशर भी क्या है इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर एक्सटेंसिव का एग्जांपल दे, तो मास खुद है, अगर एक ऐसे बॉल है 2 केजी मास का बॉल है, इसको आधा करेंगे तो 1 केजी का हो जाएगा, तो मास एक कैसा प्रॉपर्टी है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। वॉल्यूम इतना मान लीजिए 2 मीटर क्यूब था, आधा कर देंगे तो 1 मीटर क्यूब हो गया, मतलब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो मास वॉल्यूम ये सब क्या है एक्सटेंसिव है, डेंसिटी टेम्परेचर प्रेशर ये सब क्या है इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। चलिए प्रॉपर्टी इज ए पॉइंट फंक्शन, अच्छा अगर हम बात करें ना कि दो एक्सटेंसिव को अगर आप भागा दीजिएगा ना तो हमेशा इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा, मतलब द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये हमेशा के लिए वैलिड है। दो रेशियो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी करेंगे तो उसका आंसर किस में आएगा इंटेंसिव में आएगा। जैसे डेंसिटी क्या है आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो मास क्या था एक्सटेंसिव और वॉल्यूम भी क्या था एक्सटेंसिव, तो मास भाई वॉल्यूम क्या हो जाता है मास बाई वॉल्यूम डेंसिटी, यानी डेंसिटी एक कैसा प्रॉपर्टी है इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब मास कैसा था एक्सटेंसिव था, वॉल्यूम भी कैसा था एक्सटेंसिव था, तो अगर दो एक्सटेंसिव को आप रेशियो करेंगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा इंटेंसिव प्रॉपर्टी आएगा। हीट की बात करें तो हीट मास डिपेंडेंट है, लेकिन स्पेसिफिक हीट में क्या होता है मास से हम डिवाइड कर देते हैं, यानी मास इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑल्सो ऑलवेज सॉरी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज क्या होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए मास से अगर डिवाइड कर दिए तो मास इंडिपेंडेंट हो गया, और यहाँ पे हीट में क्या था ये हीट का फॉर्मूला है mc/ΔT, ठीक है। तो यहाँ पे जो मास डिपेंडेंट है स्पेसिफिक हीट में मास से डिवाइड कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है स्पेसिफिक हीट में मास इंडिपेंडेंट, यानी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज आर द इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, क्लियर। चलिए अब आते हैं इनसे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का एग्जांपल देख लेते हैं। तो अभी ये सब चीज़ समझा ही दिए थे कि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में प्रेशर टेम्परेचर विस्कोसिटी, अच्छा विस्कोसिटी की बात करें मान लीजिए विस्कोसिटी क्या होता था
कि मान लीजिए वॉइल है, वॉइल को अगर हम दो भाग में बांट दे, आधा आधा कर दे, तो विस्कोसिटी इसका चेंज हो जाएगा, नहीं चेंज होगा। मतलब इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, डेंसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। अगर हम एक्सटेंसिव की बात करें तो इनर्जी हो गया, वॉल्यूम हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इंट्रोपी, एंथैल्पी, मैग्नेटिक फील्ड, ये सब क्या था, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, ठीक है।